हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी। तो आप देख सकते हैं मैंने बनाया है ये अदरक का पाउडर घर पर ही। तो बाहर से बहुत महंगा लाने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर भी बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अदरक का पाउडर बनाना। तो अदरक का पाउडर बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 250 ग्राम अदरक, ऐसी बड़ी बड़ी अदरक आपको ले लेनी है। तो उसके बाद हम अदरक को अच्छी तरीके से छील लेते हैं। सारी अदरक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ तरीके से छीलनी है। तो आप देख सकते हैं अदरक छील गई है। इसी तरीके से आप सारी अदरक छील लेंगे। अदरक छीलने के बाद आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लीजिए। तो सारी अदरक को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से धोया है। तो अब एक कद्दूकस की सहायता से मैं सारी अदरक को घिस लूँगी। इसी तरीके से आपको अदरक को घिसना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी अदरक अब घिस ली है। तो सारी अदरक को आप 2 से 3 दिन तक गहरी धूप में सुखाइए, जिससे हमारी अदरक अच्छी तरीके से सूख जाएगी धूप में तो और आसानी से पिस जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 दिन के लिए अदरक को धूप में सुखाया था और अब अदरक ऐसी हो चुकी है, आसानी से ये पिस जाएगी। तो आइए अब हम अदरक को, सूखी हुई अदरक को पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में हम इसे डालेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको 3 से 4 दिन तक इसे धूप में सुखाना है। जरा सी भी अदरक गीली नहीं होनी चाहिए, एकदम सूखी हुई अदरक ही आपको पीसनी है। तो आप देख सकते हैं ये अदरक का पाउडर मैंने पीस लिया है। कितनी अच्छी तरीके से मैंने अदरक को अब पीस लिया है। तो आप अदरक के पाउडर को छान लीजिए, जो मोटा मोटा सा है दरदरा उसे हम निकाल देंगे। आपको वो फेंकना नहीं है, आप उसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत महंगा मिलता है और आप इसे आसानी से घर में बनाइए। बनाना इसको बिल्कुल आसान है। मेरी आसान रेसिपी से आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए और किसी भी चीज़ में, सब्जी में, चाय में आप इसे डाल सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होता, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।